स्टार्ट। हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए आज मैं अभी ये मेरे प्लास्टिक में मेरी पेंसी है, तो आज मैं इसको इन छोटे छोटे पॉट्स में लगाऊंगी। अभी मैं आपको दो दिखाऊंगी और एक दिखाऊंगी दे लिया। अब आप देखिए, पहले तो मैं इस पॉट को मैं धोऊंगी इसको, क्योंकि इसमें मट्टी है तो मैं चाहती ये पुराने हैं ना, और इसको मैं अच्छी तरह से इसको धोऊंगी देखिए, ताकि कोई कीड़े ना रह जाए, क्योंकि मट्टी में अक्सर कीड़े हो जाते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल साफ तरीके से मैं चाहती हूँ इसको धोना, और एक ये वाला छोटा, क्योंकि पेंजी छोटी है तो इसको छोटे पॉट में लगाएंगे। ये देखिए अब ये मैंने लगा कर दिया है, और अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें छोटे छोटे पत्थर रखूँगी, क्योंकि देखिए इसमें होल है, इन होलों को मैं बंद कर रही हूँ। ऐसे ये देखिए मैंने बंद कर दिया, ऐसे इसको करूंगी ताकि इसका पानी और इसकी जो मिट्टी है बाहर ना निकल जाए। देखिए इसको भी देखिए मैंने कर दिया, इसको कर। अब मैं इसको धीरे से काटूंगी कैंची की सहायता से। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसको ऐसे ऐसे, और हम इसको ऐसे खोल लेंगे। देखिए इसमें ऑलरेडी पानी हम डाल चुके थे, ये देखिए। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी, और मैं धीरे से इसको इसमें डाल दूंगी, और इसके बाद जो भी कमी रह जाएगी इसमें, हम इसमें अपनी गार्डन की सॉइल डाल देंगे, क्योंकि ये तो अभी नर्सरी से आए हैं, तो इसमें नर्सरी का है, जो भी खाद है या जो भी डाला उन्होंने, हम अपने गार्डन के डालेंगे, जो इसकी जगह है उसको फिल करेंगे। ऐसे हम एक और कर लेंगे, आपको दिखा देंगे, ठीक है। और देखिए कितना प्यारा इसका ये येलो पत्ती है, इसको हम तोड़ दे, देखिए येलो पत्ती को हम तोड़ देंगे ताकि ये और पत्तियों को भी पीला ना कर दे। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये बहुत ही प्यारा फूल होता है, इसके तो कलर लाजवाब हैं। और जब हम छोटे थे तो हम इस प्लांट को कहते थे कुत्ता, कुत्ते का फ्लावर, क्योंकि ये इसके देखिए कितनी प्यारा ये दिखता है, कुत्ते की तरह देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए मुझे मुँह, ये देखिए ऐसे इसको निकाल दूंगी मैं, ये देखिए, और इसको इसमें रख देंगे, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, इसकी जो जगह है हम इसको फिल करेंगे। अब आई बारी इस बड़े गमले की, ये देखिए ये बड़ा गमला है, इसको हम अच्छी से भरेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मट्टी है, ये देखिए कितना, क्योंकि एक साल हो गया इसमें, ये देखिए देख रहे ना, इसको मैं कपड़े से, ये देखिए। अगर हम पौधों को रखने की अच्छी और स्वच्छ चीज़ बनाएंगे, पॉट को अच्छी तरह साफ करेंगे, तो ये पॉट भी खुश हो जाएंगे और पौधे भी, तब इसमें कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा कुछ भी जम्स नहीं लगेगा। ये देखिए ये देखिए इसको मैं साफ कर दूँ, ताकि ये हम अपने वहाँ रखेंगे घर के बाहर, और ये देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, इसको मट्टी नहीं होना चाहिए। बाद में मैं इसको वो कर दूंगी, ये देखिए अब ये बड़ा है इसका, ये देखिए इसमें बड़ा है, ये देखिए बड़ा, और इसमें मैं ये बड़ा कर दूंगी। अब ऐसे ही प्रोसेस हम ये डेलिया का करेंगे, ये देखिए इसको, देखिए इसको मैं ऐसे ही काट दूंगी, बड़े प्यार से रखना है,
ये छोटी सी हमारी गलती से ये मिट्टी खत्म हो जाएगी और पौधा भी हमारा बेकार हो जाएगा। अब ये देखो मैं इसको धीरे से पॉट में डाल रही हूँ। अब आप देख रहे हैं इसका भी वही होगा जो मैं इसमें करूँगी। ये देखिए ये मैंने इनको लगा दिया है और ये देखिए ये आपको देखिए ना कितने खूबसूरत नस्टेशम। ये देखिए नस्टेशम कितने प्यारे, इन्हें किसी ने नहीं उगाया, ये पिछले साल के हैं। ये देखिए हॉलीहॉक्स, ये देखिए हॉलीहॉक्स, देखिए ये हॉलीहॉक्स देखिए कितना ऊंचा, कहीं डार्क कहीं लाइट, ये अपने में ही मस्त है। वैसे मैंने आपको पहले दिखाया था और अभी और लगाएंगे। अब हम उसको अपने वहाँ लगा देंगे बाहर दरवाजे के पास, क्योंकि ये फूल वहाँ पे ही अच्छे लगेंगे ताकि सब लोग आए और देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।